हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। छत पे आ गया मैं। अभी मौसम अच्छा हो रहा है, बिकॉज एक नंबर क्लाउड हो रहा है, बट पूरे में हो रहा है, मतलब बारिश टाइप में, लेकिन बारिश नहीं होने वाली। हर रोज़ का हो गया, बारिश हो ही नहीं रही। पता नहीं कितने दिन हो गए बारिश हुआ, तो ऐसा कुछ क्लाउड हो रहा है, बारिश आ रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो गया। हर रोज़ का हो गया इसका, तो पता नहीं कब बारिश होगी। और ये रोड पता नहीं कब सही होगा हमारा, पूरा खुद रहा है पूरा ही। और एक खनिज का पेड़ आगे से पूरा ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म नहीं, फूल वगैरह गायब हो गए। लेडीज़ वगैरह आती है, पूरा फूल वगैरह तोड़ ले जाती है इसमें से, आगे आगे, क्योंकि आगे आगे हाथ में आता है, बाकी ये नहीं पता हाथों में, पूरा गायब हो रहा है। पीछे पीछे आ रहे उधर देखो, उधर साइड बस वही कुछ ही आ रहा है, बहुत कम। अरे नींबू के पेड़ में पता नहीं नींबू कब आएंगे, आ रहे हैं बट छोटे छोटे आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नीचे चलता है। आ गया मैं नीचे, ये नींबू के पेड़ पता नहीं जना कब नींबू आएंगे, अभी तक तो आए नहीं, आए मतलब बट छोटे छोटे ही है वो, बड़े तो आए नहीं रहे, मतलब वही नहीं रहे बड़े, छोटे ही जितने थे उतने ही है, बड़े नहीं पा रहे अब तो, मुझे दिख भी नहीं रहे नींबू, नहीं दिख रहा अब तो। ये देखो ऐसे आ रहे हैं बस, छोटे छोटे से, बड़े नहीं हो रहे। नीम के पेड़ में भी नहीं है फूल वगैरह। पीछे पीछे तो आ रहा है, आगे नहीं है, वहाँ पे आ रहे हैं जैसे। और इसमें भी आगे आगे गाय पे ऊपर ऊपर आ रहे हैं, जिनके हाथ पहुँच जाते हो तो तोड़ लेते हैं, जिनके नहीं पहुँचते वो नहीं तोड़ पाते। पीछे आ रहा है बाकी, इधर साइड भी घूम आता है। चलो ये होगी ना बात, पपीता आ गए, बट अगर इनका पीला होने का वेट करना है बस, बाकी बड़े बड़े तो हो गए, इनके पीले होने का वेट करता है, फिर इनका भी गेम खत्म। वो आया, इसमें भी आ गया, ये दूसरा पेड़ था ना इसका, इसमें पहले आ नहीं रहता, इसमें भी आ गया। अब ये हुई ना बात, इधर बस नींबू में नहीं आ रहे, अंदर जो जाग का मतलब जाग में जो पेड़ था नींबू का, उसमें आ रहे थे बहुत सारे, बट वो तोड़ दिया फिर पेड़, पता नहीं क्यों। मतलब घर में है ना कि वो कांटे वाला पेड़ नहीं रखता, इसलिए। अब ये पीछे गली है, इसमें है पेड़ वगैरह, कांटा वाला भी है, तुलसी भी है, नीम का पौधा भी है, और लगा रहे हैं बहुत सारे। वाह यार कितना प्यारा फूल लग रहा है वाला, इसका पेड़ हो गया, इसमें बहुत सारे पेड़ आ जाए यार, मतलब बहुत सारे फूल आ जाए, मज़ा आ जाएगा। ये भी सेम ही है, इसमें तो बहुत सारे फूल आ गए, छोटे छोटे से आ रहे ना, इसके सारे निकलेंगे पूरे, मज़ा आ जाएगा। ये तो एक नंबर चीज़ हो गई, मस्त आ गया यार फूल। मैं तो अब नोटिस किया, मतलब आता तो रोज ही हूँ, बट मैंने अभी देखा इनको, मस्त लग रहा है, एक नंबर। तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं सोनेश्वर मंदिर, रानू भी जा रहा है, दर्शन कर आते हैं और थोड़े बहुत हम रील्स वगैरह शूट करके आएंगे, चलते अब जल्दी से सोनेश्वर निकलते हैं। तो गाइस पहुँच गए हम लोग मंदिर, रानू भी आया मेरे साथ, अभी अंदर चलते हैं और दर्शन करके रील्स वगैरह शूट करेंगे, चलते हैं अंदर। चलो चलते हैं अंदर। अभी ऊपर की साइड चलते हैं रील्स वगैरह शूट करना, चलो जीने से ऊपर मस्त चलेंगे, वहीं से बनाएंगे। यहाँ के जीने थोड़े ऊपर टांगे यार, मतलब खड़े जीने, बट पाँव दुख जाते ऊपर जाने में, बहुत ही ज़्यादा खड़े जीने। अभी चलते हैं ऊपर रील्स वगैरह शूट करना, इधर का ना जीना टूट रहा है। अगर मान लिया पोस्टों को याद नहीं है, गए वो वक्त वक्त आ गए, वो बाहर से आया, हाँ डायरेक्ट नीचे छोटे जानिए, ये जीने जा रहे हैं यहाँ के, अपन को क्या काम, अपन दो मल के इधर चल रहे हैं, इधर बनाता वीडियो वगैरह। चलो गए हम लोग ऊपर टॉप पे, इधर पूरा नदी वगैरह, उधर पुल रहा जिस पर हम जाएंगे, तो इधर बाद वीडियो और शूट न करना है। अब यहाँ पे वीडियो वगैरह शूट करते हैं पहले, फिर चलते उधर। थक गए थोड़ी सी, मई सांस भूल गई, जीना खराब है। तो गए रील्स वगैरह हमने कर ली शूट, मस्त बनी है, एक आधे डाल भी दूंगा मैं। अभी चलते हैं घर की ओर, निकलते हैं। थोड़ी जलन बचा के रखो बे, क्योंकि हमारी असली उड़ान तो अभी बाकी है। तो गाइस अभी आ गए हम लोग इधर पुल पे, अब पुल पे वीडियो वगैरह शूट करेंगे, रानू ऐसा हो रहा है मेरे पीछे। तो गाइस आ गया मैं घर पे, अभी आरती वगैरह तो कर ली और खाना वगैरह भी खा के मस्त हो गए, अभी चलते हैं मंदिर,
फिर से दर्शन करने और हमें चाहते पाठ वगैरह करने। चलते अरुण वगैरह सभी जा रहे हैं, अपन लोग भी चलते हैं। पहुँच गए मंदिर अपन लोग, अब दर्शन करके चलते हैं यहाँ से। तो गाइस चलते अब यहाँ से दर्शन वगैरह कर लिए, पहुँच गए मंदिर, अब पाठ करके चलते हैं। तो वैसे हनुमान चालीसा पाठ भी कर लिया, अभी घर चलेंगे थोड़ी देर से। पहले पार्क में जाने वाले थे, फिर नहीं गए, सब लोग इधर उधर हो गए और सबको भूख लगी थी, खाना वगैरह खाएगा कोई नहीं आया, मैंने खा लिया था पर खाना वगैरह। अभी चलते थोड़ी देर से घर से। तो वैसे आ गया मैं घर पे, मस्त मजा आता है पाठ वगैरह करने में। अकेला गया था मैं पहले, सब लोग जा रहे थे बट सब लोग खाना वगैरह खाने चले गए थे, उनको भूख लग रही थी, तो फिर मैं चल गया था पाठ वगैरह करने। और आज अपने फाइनली 150 ब्लॉग्स कंप्लीट, 150 दिन और 150 ब्लॉग हो गए अपने। मैंने सोचा नहीं था मतलब 150 दिन इतने जल्दी निकल जाएंगे। अभी 150 दिन और निकालना है, अब 65 दिन और निकालना है, अपने 365 दिन करना है, 365 ब्लॉग बनाना है। बहुत मेहनत का काम है भाई, बहुत मेहनत का, आंखें दर्द होने लग जाती है कोई कोई बार। तो लोग पता कैसे एडिट करता हूँ, लोग एडिट करते करते नींद आती रहती है, मैं झटके मारता रहता हूँ नींदों के। बड़ा खतरनाक काम है भाई ब्लॉग वगैरह बनाना, बहुत मेहनत का काम है। जो डेली ब्लॉग बनाता है उनके लिए पता है, बस सोचता था हर कोई ब्लॉग बनाना मतलब इतना सिंपल है, हर कोई बना लेता है, लेकिन रात रात को आँखें काली करनी बहुत मेहनत का काम है, बहुत मुश्किल बात। मुझे रोजाना के 2 से 2.5 बजे जाते हैं, कुछ ना करके भी 2 से 2.5 बजे जाते हैं मुझे कैसा ना कैसा करके लिए ब्लॉग में। खैर ये ब्लॉग को एंड करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।